नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। घुड़सराय में शारदीय नवरात्र की धूम हर तरफ दिखाई दे रही है। शारदीय नवरात्रि पर नगर के तालाब माता मंदिर में दर्शन और पूजन करने श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। नवरात्रि में लोगों ने अपने अपने घरों में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश स्थापित कर जगत जननी मां दुर्गा का आह्वान किया। घरों के साथ साथ विभिन्न पूजा पंडालों में कलश स्थापित कर नवरात्रि पाठ का आयोजन किया गया। इसी क्रम में बाजार घुड़सराय में 40 वर्षों से दुर्गा जी को पंडाल में विराजमान किया जा रहा है। नवरात्रि के दूसरे दिन नगर के मोहल्ला पटकाना में जय मां काली समिति द्वारा विराजमान मां काली की भव्य प्रतिमा की आरती विधिवत पूजन अर्चन पंडित अभिनव शास्त्री के द्वारा की गई। देवी माता की विशेष पूजा अर्चना की गई। माता का विशेष श्रृंगार एवं मेवा मिष्ठान का भोग लगाकर आरती की गई। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि पर्व के अवसर पर स्थापना स्थल पर आकर्षक सजावट की गई। दूसरे दिन ही दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आदि शक्ति की विशेष भक्ति आराधना के साथ मनोकामना ज्योति कलश स्थापित कर प्रज्वलित किए गए। नवरात्रि में मां आदि शक्ति के 9 रूपों की आराधना प्रतिदिन की जाएगी। घटित स्थापना कर मां शैलपुत्री मां ब्रह्मचारिणी माता का पूजन अर्चन कर माता रानी की स्थापना की गई। वहीं लोगों की भक्ति में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। नगर की आराध्य देवी मां काली के प्रांगण में द्वितीय दिवस की आरती में भक्तों की भारी भीड़ रही। कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर नगर के अलावा क्षेत्रवासी आस्था व श्रद्धा के साथ आदि शक्ति मां भवानी की पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। सैकड़ों लोग इस मौके पर मौजूद रहे। समाचार बुंदेलखंड के लिए दीपक सिंह यादव की रिपोर्ट। ये नवरात्रि का कार्यक्रम कितने वर्षों से चल रहा है? 40 वर्षों से, 1983 से और अभी तक चल रहा है। 2023 तक बराबर चल रहा है। सबसे पुराना मंच है बाजार नव दुर्गा प्रांगण का। ये सबसे पुराना मंच है जब तालाब माता मंदिर और बाजार में बैठती थी सबसे। तभी से कोई कार्यक्रम कमेटी कराती है? कमेटी ही कार्यक्रम कराती है। समिति कमेटी कराती है।